हेलो फ्रेंड, कैसे हो? मैं और फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। हम रेडमी नोट 11 डिवाइस या फिर पोको 4 प्रो को जो MIUI 14 का अपडेट मिला है उसके बाद में आपको कौन कौन से नए फीचर या कौन कौन सा चेंज लोग देखने मिलता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इस तरह का अपडेट आने वाला है। अपडेट आ चुका है और एक भाई ने कमेंट किया था डाउनलोड नहीं हो रहा है। यदि आपके भी ये अपडेट जो डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और जिन लोगों को नहीं मिला है उन लोगों से कहना चाहूँगा, आप कुछ दिन का वेट कर लीजिएगा। ये अभी जो है बीटा के अंदर रोलिंग आउट स्टार्ट हुई है, 5 या 7 दिनों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुछ दिन वेट कर लो और इसका फुल रिव्यू आने दो, उसके बाद ही अपडेट करना। क्योंकि यार जब तक फुल रिव्यू नहीं आता तब तक आप अपडेट मत किया करो, क्योंकि MI के अपडेट्स के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ जो है पिछले 2 सालों से देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से आप पहले फुल रिव्यू देख लिया करो वैल्यूएबल क्रिएटर्स का। सो अब बात करते हैं क्या कुछ आपको इसके अंदर चेंज देखने मिलता है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन में डालता रहता हूँ। एंड इस वीडियो का भाई लाइक का टारगेट करते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। यार इस बार तो करवा ही देना, क्योंकि मैंने आपको स्टिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तारीख को अपडेट देखने को मिलेगा और आप लोगों के लिए मेहनत कर सबसे पहले वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। अभी एक भाई ने अंतुतु वाले से अंतुतु बेंचमार्क वाले वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो भाई वो कल तक अपलोड हो जाएगा, चार्जिंग टेस्ट भी कल तक अपलोड हो जाएगा। सो सबसे पहले चैनलों की बात करें तो सेटिंग का जो UI है वो पूरा का पूरा यहाँ पर देखिए चेंज कर दिया गया। जो आइकन्स है उनको राउंड और कुछ बोल्ड करने की कोशिश की गई है। अबाउट फोन का लोगो है वो भी चेंज कर दिया गया। उसके बाद जैसे स्क्रॉल करते हैं थीम का लोगो है वो भी चेंज कर दिया गया। होम स्क्रीन है और पासवर्ड एंड जो सिक्योरिटी है इसका भी जो लोगो है वो चेंज कर दिया गया। उसके बाद जैसे हम सेट अबाउट फोन के अंदर आते हैं, आने के बाद एक नया वर्जन देखने मिल जाता है MIUI 14.0.1.0 का, और MIUI 14 का आपको एक नया लोगो देखने मिलता है। उतना ज़्यादा तो अपग्रेड नहीं है लोगो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि MIUI 14 बहुत पहले रोलिंग आउट स्टार्ट हो चुके, लेकिन एक नया लोगो देखने मिल जाता है। उसके बाद दूसरे चेंज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट इस डिवाइस के अंदर देखने मिलता है, जिससे हम एंड्रॉइड वर्जन पर क्लिक करते हैं। और यह भी मैंने आपको वीडियो में बोला था कि एंड्रॉइड 13 पे आने वाला है, सो भाई पूरा क्लिक हो जा। तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉइड 13 है और इस पर जैसे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इसके बैकग्राउंड्स वगैरह जो चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसके बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज होते हैं। बैक करते हैं, बैक करने के बाद और चेंज की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जो सिक्योरिटी पैच है उसको अपडेट कर दिया गया। सिक्योरिटी पैच अब आपको मई का देखने मिल जाता है। नेक्स्ट चेंज है वही सेटिंग के अंदर किया गया, देखिए डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स इसका ऑप्शन कर दिया गया, जो कि डिटेल वगैरह का ऑप्शन हुआ करता था। उसके बाद में जैसे हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आते हैं। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आने के बाद जैसे हम मेमोरी एक्सटेंशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर पहले इसके अंदर 1 GB रैम एक्सटेंशन का ऑप्शन था 6 GB वाले वेरियंट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा लेआउट इसका चेंज कर दिया गया और 3 GB तक अब आप इसके अंदर रैम जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन यार ये यूज़फुल नहीं है दिखाने के लिए यहाँ पर जो है कर दिया गया। यदि आप लोग चाहो तो मैं इस पर एक वीडियो डालकर आपको बताऊँगा कि कितना वर्क करता है या फिर नहीं करता है। उसके बाद बैक करते हैं, बैक करने के बाद यहां पर देखिए फ्लोटिंग विंडो आ चुका है, सेकंड स्पेस आ चुका है, यहां पर देखिए स्पेशल फीचर जो है वो यहां पर आ चुका है। पहले जो स्पेशल फीचर था वो सेटिंग की मेन सेटिंग्स के अंदर था, लेकिन अभी आप इसको ना शिफ्ट कर दिया गया एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आते हैं तो यहां पर देखिए स्पेशल फीचर आ चुका है, फ्लोटिंग विंडो आ चुका है और साइड बार वगैरह तो इसके अंदर पहले थे ही। फ्लोटिंग विंडो के अंदर अब एक नया चेंज हो चुका है कि अब आप इसके अंदर मल्टीपल फ्लोटिंग विंडो यानी कि 2 फ्लोटिंग विंडो इसके अंदर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा साइड बार है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले ये वाला ऐप ओपन करता हूँ, ये देखिए बीजी रिमूव हमारा ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं वापस से सेलेक्ट करता हूं, वापस से सेलेक्ट करने के बाद मैं ZR0 को ओपन करता हूं तो यहां पर देखिए ZR0 साइज सपोर्ट नहीं करता, ये देखिए फ्लोटिंग विंडो साइड में कुछ इस तरीके से जाता है। तो मैं वापस से करता हूं, कोई और एप्लीकेशन ओपन करता हूं तो यहां पर मैं देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है हम मीट वाली ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए गूगल मीट जो है हमारा ओपन हो चुका है, ये रहा हमारा गूगल मीट और यहां पर साइड में भाई ये सो फ्लोटिंग विंडो की मैं बात कर रहा था। तो मल्टीपल फ्लोटिंग विंडो यानी कि 2 फ्लोटिंग विंडो एक साथ यूज कर सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन के अंदर वर्क नहीं कर रहा, हो सकता है आने वाले अपडेट के अंदर इसको फिक्स कर दिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, गैलरी ओपन कर लेता हूँ, तो जिस एप्लीकेशन के अंदर सपोर्ट कर रहा है जो मैंने टेस्ट किया वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद ये रहा हमारा गैलरी, तो ये हमारा गैलरी ओपन हो चुका है। उसके बाद वापस से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर VPN ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्विक VPN जो ओपन हो चुका है। अब आप चाहो तो होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट करोगे तो दोनों फ्लोटिंग विंडो देखिए अलग अलग अपनी अपनी पोजीशन पे जा चुके हैं। ये रहा हमारा गैलरी वाला और गैलरी वाले की छोड़े तो यहाँ पर देखिए क्योंकि VPN ये रहा। कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकते हैं और होम स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है कि आपको 2 फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन देखने मिल जाता है। और जैसे ही डबल टैप करोगे ये देखिए पूरे साइड के अंदर जा चुके हैं। क्लोज करना है कुछ इस तरीके से करना है, ये ओपन हो चुका है तो मैं एक बार इसको क्लोज करता हूँ तो कुछ इस तरीके से कीजिए और ये हो चुका है क्लोज और इसको भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ्लोटिंग विंडो को जो क्लोज कर सकते हैं। एक
एक और प्राइवेसी के अंदर फ्रेंड इसके अंदर चेंज किया गया। मैं सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूँ और प्राइवेसी के अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि प्राइवेसी के अंदर क्या चेंज हुआ। सो मैं सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूँ। अभी देखिए यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे माइक की परमिशन ऑफ करनी है। मैंने यहाँ से माइक की परमिशन ऑफ कर दी तो इस फोन के अंदर जितने भी ऐप हैं उनमें से कोई भी ऐप आपके डिवाइस की जो माइक की परमिशन माइक को रीड नहीं कर सकता। यदि आप कॉल करोगे तो ये ऑफ करने के बाद कॉल भी नहीं लगती, यानी कि सभी ऐप की जो माइक की परमिशन है वो यहाँ से डिसेबल हो चुकी है। अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप माइक की परमिशन यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। सो पासवर्ड वगैरह यहाँ से कर सकते हो। यदि आपने ये डिसेबल किया तो फिर आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आकर यहाँ से भी आप एक एक एप्लीकेशन के बंद कर सकते हो भाई किससे अपने माइक की परमिशन ले रखी है। सभी के करने प्राइवेसी में जाइए, प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के अंदर आकर आप एक एक एप्लीकेशन की माइक की परमिशन है वो डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद में बैक करते हैं। बैक करने के बाद जैसे हम आते हैं यहाँ पर देखिएगा होम स्क्रीन के अंदर, तो होम स्क्रीन के अंदर कोई भी बड़ा जो है चेंज यहाँ पर नहीं किया गया। सेम आपको जो ऐप वॉलेट देखने मिल जाता है, ऐप ड्राइवर है, पोको लॉन्चर वगैरह ये सारी चीज़ें देखने मिलती है, रिसेंट अबलर व्यू सो सजेशन ये सारी चीज़ें आपको पहले जैसी देखने मिलती है। और विजिट्स के अंदर बहुत बड़ी चीटिंग की गई इस डिवाइस के साथ में, इसके अंदर आपको नए विजिट्स देखने को नहीं मिले, बस कुछ एक विजिट्स ऐड किए गए जो क्लॉक वाले विजिट्स है जो रेडमी नोट 10 प्रो या 12 प्रो के अंदर है, वो विजिट इस डिवाइस के अंदर यार ऐड नहीं किया गया। यदि आप चाहते हो ऐड करना तो मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा जिसकी मदद से आप जो है ऐड कर पाओगे। और एक यहाँ पर देखिए इसके अंदर इनलार्जेस फोल्डर का जो फीचर है वो भी नहीं है, बस इसको आप इनेबल कर सकते हो। मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन छोड़ रहा हूँ, यदि आपको इनलार्जेस फोल्डर इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हो, लेकिन ऑफिशियल तौर से नहीं है। मैं भी नेक्स्ट अपडेट के अंदर आ जाए जैसे ही मैं देखिए गूगल है ये फोल्डर, इस पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर कोई भी एडिट या क्रेडिट है या इनलार्जेस या एक्सएल फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, तो आपको इन लार्जेस फोल्डर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। और जो विजिट्स है वो भी नए इसके अंदर ऐड नहीं किए गए। वापस से सेटिंग्स के अंदर आ जाए, सेटिंग्स के अंदर के बाद ब्लूटूथ वगैरह सेटिंग्स वगैरह ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर जाता हूँ। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर टाइमर्स वगैरह जो रिमूव नहीं किया गया और सेम ही आपको एनिमेशन देखने मिल जाते हैं, कोई नया एनिमेशन जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं किया। सिलेक्टेड बैकग्राउंड वगैरह ये आई थिंक इस डिवाइस के अंदर पहले से थे, और यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं ऑलवेज ऑन इतनी इसके अंदर ऑन नहीं रखता हूँ क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। थीम एप्लीकेशन के अंदर आती है तो इसका भी लेआउट कुछ आपको सेम ही देखने मिल जाता है, जैसे पहले था वैसा ही देखने मिल जाता है। कस्टमाइजेशन आइकन वगैरह जो थीम का इसके अंदर फीचर आना था वो पहले ही आ चुके, तो नया इसके अंदर थीम के अंदर भी कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद में फिंगरप्रिंट के अंदर नया फीचर ऐड कर दिया गया। जैसे मैं सिक्योरिटी के अंदर आता हूँ, फिंगरप्रिंट के अंदर आता हूँ, स्क्रीन का लॉक एंटर कर देता हूँ। स्क्रीन का लॉक एंटर करने के बाद मुझे ऐड फिंगर करना है तो वापस ये देखिए चेकिंग फॉर सिक्योरिटी इश्यू आ रहा है, उसके बाद वापस ये आपको लगाना है। और जैसे ही देखिए ये पूरा मेन्यू चेंज हो चुका है, जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये देखिए जो फिंगरप्रिंट को रीड कर रहा है ना, ये बीच में देखिए जो लाइन चल रही है इसको पूरी तरीके से यहाँ पर जो चेंज कर दिया गया और एक नया जो है यूनिक लुक इसको प्रोवाइड करवा दिया गया, तो ये भी इसके अंदर नया चेंज कर दिया गया। सो इसको मैं अभी ऐड नहीं करता हूँ क्योंकि 2-3 महीने ऑलरेडी कर दिया। देखिए यूट्यूब वगैरह के विजिट तो ऐड कर सकते हैं, क्लॉक वाले विजिट्स वगैरह, और जो विदर एप्लीकेशन है उसका देखिए विदर का लोगो ही आ रहा है लेकिन विदर जो लाइव दिखाता है वो चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं है, आने वाले अपडेट्स के अंदर हो सकती है। अब आप में से काफ़ी लोग कमेंट करेंगे मी डायलर आया या नहीं है, तो एम आई डायलर इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, इस अपडेट के अंदर भी नहीं है और आगे भी देखने को नहीं मिलेगा। मैसेंजर आने की उम्मीद कर रहे थे लेकिन एम आई का मैसेंजर है वो भी इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिला। कंट्रोल सेंटर को कुछ हद तक इंप्रूव किया गया, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसका साइज मुझे छोटा लगा है और यहाँ पर ये थोड़ा सा उससे थोड़ा बेटर लग रहा है। और स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर एंड्रॉइड 13 आ चुका है, एम आई स्मार्ट हब यहाँ पर है जो आ चुका है। उसके बाद एक नया टॉगल आ चुका है, देखिए यहाँ पर जो जी पे है आप यहाँ से डायरेक्ट जो क्लिक करके और जी पे यहाँ से यूज कर सकते हो। वॉल्यूम जो है पहले इसके अंदर लैग करता था और अभी भी लेकर है। चार्जिंग एनिमेशन की आप बात करोगे, चार्जिंग एनिमेशन काफी देर बाद में इसका शो होता है, चार्जिंग लगा देते हो आप सोते हो चार्जर जो इसे कनेक्ट ही नहीं है, लेकिन आई थिंक ये 10 या 15 सेकंड के बाद में चार्जिंग का एनिमेशन आता है, वही इश्यू इसके अंदर भाई अभी भी पड़ा हुआ, पता नहीं यार इसको ये लोग कब फिक्स करेंगे। गैलरी के अंदर जाते हैं तो गैलरी के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं किया गया, पीपल रिमूव वाला ऑप्शन या शेडो रिमूव वाला ऑप्शन हम उम्मीद कर रहे थे आएगा इस डिवाइस के अंदर, लेकिन पीपल रिमूव शेडो रिमूव दोनों नहीं है। और कोई भी फोटो से टेक्स्ट कॉपी करते हैं उस फीचर का वेट करें काफ़ी दिनों से, लेकिन इस डिवाइस के अंदर भी नहीं है। और बहुत सारे डिवाइस जैसे रेडमी नोट 12 प्रो को 2 अपडेट आ चुकी है MIUI 14 की, तो उसके अंदर भी ये फीचर नहीं है, लेकिन आने वाले अपडेट के अंदर ये जो है हो सकता है आ जाए। जैसे कोई भी आप फोटो क्लिक करते हो और उसके सारे टेक्स्ट जो है वो आप कॉपी कर सकते हो, तो वो चीज़ इसके अंदर अभी भी देखने को नहीं मिली है। सो कुछ ये चेंज फ्रेंड, ये कुछ चेंज इस डिवाइस के अंदर किया गया है जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। यार इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुके इस वजह से वीडियो को मैं बीच में रोक रहा हूँ, वरना एक दो और हिडन फीचर थे वो आप लोगों के साथ शेयर करता, लेकिन वो फुल रिव्यू के अंदर शेयर कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर कर दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बताऊँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।